YouTube चैनल स्माइल विद पल्लवी। कैसे हो आप सब? एंड मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ एक मेकअप वीडियो लेके। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि एक मेकअप वीडियो करना चाहिए, एक चैलेंज करना चाहिए आप सबके लिए डिमांड पे। तो जो है आज मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपके साथ एक मेकअप वीडियो शेयर किया जाए। एंड बाय द वे मैंने पीछे लाइट नहीं लगाई है जिसकी वजह से मेरे जो हेयर है वो ब्राउन लग रहे हैं, जो कि आई एम लविंग दिस। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो है अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो आप किस तरीके से मेकअप करेंगे कि कम से कम टाइम में, कम से कम प्रोडक्ट्स में और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप रहेगा, जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लगने वाला है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्विक एंड ईजी न्यूली मैरिड गर्ल के लिए, जो अगर आपकी शादी नहीं हुई है या आपकी शादी होने वाली है तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। एंड बाय द वे मैंने जो है अपना फेस बिल्कुल भी मेरा क्लीन फेस है, कुछ भी नहीं उसमें अप्लाई किया है मैंने। और आप देख सकते हैं जो मैं जो आपके साथ स्किन केयर शेयर करती थी ना व्लॉग में, जो मेरी अंडर आईज पफिनेस बहुत रहती थी, अगर आपको याद होगा पहले वीडियोज में मेरी बहुत ज्यादा पफिनेस की प्रॉब्लम थी, तो वो पफिनेस की प्रॉब्लम चली गई है क्योंकि मैंने आईज रब किया है अपनी आंखों के नीचे। और मैं एक सेकंड आपको दिखाती हूँ, ये देखिए गाइस, ये जो थोड़ा थोड़ा पफिनेस थी ना मेरे आईज में ऐसे रहता था मेरा आईज, आप देखिए ठीक हो गया है। तो इस तरीके से अगर आप जो है अगर आपके अंडर आईज में पफिनेस की प्रॉब्लम होती है तो आप आईज रब कर सकते हैं। एंड बाय द वे हो गए स्किन केयर की बातें, तो चलिए मेरा जो फेस है अभी विदाउट मेकअप है तो मेकअप स्टार्ट करते हैं। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि मैं करती हूँ बहुत सारी अच्छी अच्छी मेहनत आप सबके लिए, बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज लाने के लिए। और पता नहीं मेरा गला क्यों बैठा हुआ है आज, आई डोंट नो। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर। और गाइस टोनर जो होता है वो बहुत अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, हमारी स्किन को हाइड्रेट करके रखता है। तो इसको अपनी स्किन में अच्छे से एब्जॉर्ब होने देंगे। और इसके जो ये है गुड वाइब्स का गाइस, और बहुत अच्छा है। और इसकी जो स्मेल है ना, इसकी फ्रेग्रेंस बिल्कुल रोज की जैसी है। क्योंकि तो अब मैं करने वाली हूँ लिप केयर, तो मैं यूज करने वाली हूँ मेबिलीन की बेबी लिप्स, ऑरेंज शेड में है गाइस, ये देखिए। तो मैं अप्लाई कर रही हूँ ये है कंसीलर, और आज मैं आपसे शेयर करूंगी आई मेकअप से। और ज्यादा मुझे कंसीलर की जरूरत है नहीं, तो आप कंसीलर डेली बेसिस पे यूज कीजिए, बट अगर आप स्किन केयर करके यूज करते हैं तो काफी अच्छा रहेगा। और मैं इसको ब्लेंड कर ले रही हूँ ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से। तो अब मैं जो है आई मेकअप को सेट करने वाली हूँ बेला वोस्टे के कॉम्पैक्ट से। और गाइस ये कॉम्पैक्ट बहुत अच्छा है, तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ लॉरियल का काजल। और ये काजल गाइस बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत पिगमेंटेड है। तो अगर आपकी अभी भी शादी हुई है तो आप काजल जरूर लगाइए, आपकी आईज के ऊपर बहुत ब्यूटीफुल लगेगा। और मैं आपको एक टिप देती हूँ काजल लगाते समय, एक टिप बहुत ही यूजफुल है आप सबके लिए। जब आप काजल अप्लाई कीजिए ना तो आंखों को ऐसे बंद कर लीजिए, इससे क्या होगा कि आपकी जो अपर कोर है ना यहाँ पे काजल लग जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, ये देखिए। तो इससे आपकी आईज ना एक्स्ट्रा ब्लैक लगेंगी, यही मैं करती हूँ जिससे मेरी आईज जो है बहुत ही ब्लैक लगती है। गाइस मैं मस्कारा में के लिए यूज कर रही हूँ मेबिलिन कोलोसोल का मस्कारा। तो एज यू नो आई एम लेफ्टी ऑल्सो, तो इसकी जो स्पूली है ना इससे मैं अपने आईब्रोज को भी सेट कर लूंगी, तो मुझे आईब्रो पेंसिल की अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिफरेंस दोनों में, तो गाइस आईज को थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज करी हूँ स्विस ब्यूटी का गोल्डन लिक्विड आई मेकअप। और जस्ट अ मिनट, तो
तो प्राइमर के लिए मैं यूज कर रही हूँ गाइस, ये है मैक का प्राइमर, और जो है इसको मैं अच्छे से जो है ब्लेंड कर ले रही हूँ अपने फेस पे। तो आज मैंने सबसे पहले आई मेकअप इसलिए किया गाइस, क्योंकि जो आई मेकअप होता है इसमें ही सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि आप कितने कम टाइम में, बहुत ही कम प्रोडक्ट में, बहुत ही ब्यूटीफुल से आई मेकअप कर सकते हैं। तो देख सकते गाइस आप आई मेकअप कितना ब्यूटीफुल लग रहा है सच में। यहाँ पे यूज कर रही हूँ लैक्मे की 925 सीसी क्रीम गाइस, ये डेली यूज के लिए बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी गाइस। एक बार आप परचेज करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी ये क्रीम। और जो मैं यूज कर रही हूँ ये है नंबर 02 हनी। तो आप हमेशा अगर अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ ही जो है क्रीम लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा गाइस। इसमें एक हनी आता है, एक आता है ब्रॉन्ज। तो जैसे कि अगर आपकी स्किन कलर थोड़ा सा मतलब लाइट है, मतलब जैसे कि आप कह सकते हो थोड़ा फेयर है, तो आप हनी लीजिए। अगर आपके थोड़ा डस्की स्किन टोन है तो आप ब्रॉन्ज लीजिए। बस इतना मैं आपको इसमें आपको डिफरेंस बता सकती हूँ। तो कॉम्पैक्ट के लिए मैं यूज कर रही हूँ बेला वोस्टे का कॉम्पैक्ट, और ये बहुत ही अच्छा कॉम्पैक्ट है गाइस। ये आपके स्किन टोन में एक व्हाइट कलर सा टेक्सचर देगा। और आप देख सकते हैं गाइस, सिर्फ मैंने सीसी क्रीम यूज किया था और मेरे जो कलर का टोन है, स्किन टोन ही वो एक नंबर फेयर हो गया है। एक नंबर फेयर मतलब आपका जो स्किन टोन है वो बहुत ही अच्छे से ग्रूम हो जाता है। तो गाइस कॉन्टोरिंग के लिए मैं ले रही हूँ ग्लैम 21 HD प्रो का कॉन्टोरिंग पैलेट, और मैं एक पतले से ब्रश से जो है कॉन्टोर करूंगी आज। और मैं इसको सेम जो मेकअप ब्रश है उसी से कर रही हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारे मेकअप ब्रशेस होने चाहिए, एक सेट होना चाहिए जिसमें अलग कॉन्टोरिंग हो, मेकअप हो, जो भी है ब्रश है, सबके ब्रश अलग नहीं होते। आप एक ब्रश से जो है सारी चीजें बहुत ही आराम से कर सकते हैं गाइस। तो गाइस ब्लश मैं सेम ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ गाइस। वाओ कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। और सेम ब्रश से ही मैं हाईलाइटर भी यूज करूंगी गाइस। तो ये है वेट एंड वाइल्ड का हाईलाइटर, और ये देखिए गाइस तो आप देख सकते हैं गाइस ब्लश एंड हाईलाइटर दोनों बहुत ही अच्छे से लग गया है। थोड़ा सा हाईलाइटर मैं अपना इनर कॉर्नर को हाईलाइट कर रही हूँ, बहुत ही जरा सा, क्योंकि जो ये मेकअप है ये न्यूली ब्राइड का है, बट डेली मेकअप है तो हम बहुत ही हैवी मेकअप नहीं कर सकते। तो आपने देखा गाइस एक ही ब्रश से मैंने हाईलाइटर भी यूज कर लिया, ब्लश भी लगा लिया, हाईलाइटर भी लगा लिया। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये है मेबिलिन कलर शो 203 नंबर है, और ये लिपस्टिक का जो कलर है आप देख सकते हो ये बुलेट लिपस्टिक है। काफी कुछ मैंने इसको यूज किया हुआ है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, पूरा मेकअप फुल मेकअप करने के बाद आप सोचते हो कि मेकअप सेटिंग स्प्रे बहुत जरूरी होता है, बट ऐसा नहीं है। इस बार क्या हुआ था तीज में मेरे पास मेकअप सेटिंग स्प्रे खत्म हो गया, तो मैंने क्या किया था कि मैंने गुड वाइब्स का ये जो रोज टोनर है इसको ही स्प्रे कर लिया था, और बहुत देर तक इसको फेस पर ड्राई होने दिया जिससे मेरा मेकअप पूरा सेट हो गया।
तो यही आज मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ कि अगर आपके पास मेकअप सेटिंग स्प्रे नहीं है तो डोंट वरी, आप टोनर को भी स्प्रे कर सकते हैं। ट्रस्ट मी गाइस, एकदम वैसा ही वर्क करेगा जैसे कि मेकअप सेटिंग स्प्रे होता है। एक बिंदी भी लगा लूं, क्या कहते हो आप लोग? चलो लगा ही लेते हैं। अब कैसा लग रहा है बताना आप लोग।